ऑफ ऑर्गन्स, ओके गिवन क्वेश्चन में बताना है ऐसा क्या है जो कि कॉज करता है स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लॉमेशन ऑर्गन के लिए तो वो जो डिजीज है उसका नाम है फिलेरियासिस okay? डिजीज का नाम है फिलेरियासिस अब यहाँ पर फिलेरी एसिस डिजीज की अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसा डिजीज होता है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही स्लोली स्लोली क्या करता है कॉज कॉज करता करता है है यानी इन्हें हम कहते हैं है, ये हमारी बॉडी के अंदर गे? अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इनमें सिम्टम्स क्या आएंगे धीरे धीरे ये जो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं इसमें क्या होता है टिश्यूज में क्या होने लगती है स्वेलिंग होने लगती है ओके okay? टिश्यू स्वेलिंग या फिर हम इनको आल्सो नाम देते हैं एलिफेंटियासिस भी ओके okay? इन्हें आल्सो हम नाम देते हैं एलिफेंटियासिस भी क्योंकि इनमें क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा सूजन आने लगती है इसकी वजह से हम इनको एलिफेंटियासिस नाम देते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है जैसा कि हम कह रहे हैं स्वेलिंग होने लगती है थिकनेस बढ़ जाती है हमारी बॉडी की ओके okay? तो यहाँ पर इसी वजह से इनको कहा जाता है एलिफेंटियासिस अब यहां पर देखें तो ये डिजीज कॉज किसकी वजह से हो रही है तो ये डिजीज एक पैरासिटिक वार्म की वजह से कॉज होती है ओके okay? किसकी वजह से कॉज हो रही है पैरासिटिक वॉर्म की वजह से और कौन सा पैरासिटिक वार्म इसको कॉज करता है तो उसका नाम है डेवलपिंग केवलिक इन्फ्लामेशन होती है ऑर्गन्स की ओके क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे और एडवांस लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर